वट सावित्री पूर्णिमा व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ की आयु सैकड़ों साल होती है। चूंकि महिलाएं भी बरगद की तरह अपने पति की लंबी आयु चाहती है और बरगद की ही तरह अपने परिवार की खुशियों को हरा भरा रखना चाहती है, इसीलिए ये व्रत करती है। वही एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने बरगद के नीचे बैठकर तपस्या करके अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए वट सावित्री पूर्णिमा व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और वट पूर्णिमा जो होती है इसका तो खास ही महत्व है। हमें पता है कि ये जो वट पूर्णिमा जो पूजा होती है, सुहागने अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस पूजा का जो है पूजा करती है। बरगद का जो पेड़ होता है उसे धागा जो है लपेटकर जो है अपने पति की लंबे उम्र की कामना की जाती है। पति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना जो है सुहागन औरतें करती है। आज जो है वट पूर्णिमा है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सुहागने जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामनाएं करते हमें दिख रही है। हम उनसे जानते हैं कि आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, माझं नाव नेहा धनराज कछवे। आज वट पौर्णिमेच्या दिवशी मी तुम्हाला थोडीशी वट पौर्णिमेची माहिती देणार आहे। वट पौर्णिमेचं व्रत हे नवऱ्याच्या दीर्घ आयुष्यासाठी प्रत्येक सुहागन स्त्रीनी करावं, ज्यांनी त्यांच्या पतीला दीर्घ आयुष्य लाभते। तर तुम्ही सर्वांनी हे व्रत करा। वडाच्या झाडाला धागा गुंडाळून हे व्रत केल्या जाते, उपास ठेवल्या जाते आणि उखाणं घ्यावं लागतं। तर मी आज एक उखाणं घेत आहे तुमच्यासमोर। वटपौर्णिमेच्या दिवशी वडाला घातले फेरे साथ, धनराज रावांची लाभो मला जन्मोजन्मी साथ, देवाकडे विनंती। पौराणिक कथा के मान्यता के अनुसार जो है सावित्री ने अपने पति की लंबे उम्र के लिए, अपने पति की दीर्घ आयुष्य के लिए जो है इस वट पूजा वट पूर्णिमा का जो है पूजन किया था, व्रत किया था। आज भी ये मान्यता जो है सुहागन औरतें मानती है और ऐसी तरह ही इस बरगद के पेड़ की जो है यहाँ पे पूजा की जाती है और सुहागने आकर पूजा करती है। उखाने जो रहता है वो लिया जाता है पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए और व्रत भी रखा जाता है। तो कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।